the yard. Yeah. ओह जश्न मद्दूर क्या बात है भाई भाई तो मिले हैं हाँ जी मुझे तो यहाँ शो के दो कसाई भी मिल गए क्यों क्योंकि शो का जो तुम लोग कीमा बनाते हो मजेदार कीमा होता है पाव पाव फ्री में लेकिन हाँ फ्री में आज कीमा नहीं देखेंगे आज हम सीमा देखेंगे क्योंकि आज जो है हमारे पार्टिसिपेंट जो है हाँ टैलेंट्स की सीमाओं को पार करने वाले एक्चुअली वो जो राउंड है आज सवाल तो पहली सीमा कौन पार करेंगी या पार करेंगी हाँ जी तो भैया पहली जो सीमा पार करेंगी वो है 18 साल की मुंबई से उनका नाम है पूजा सावंत और उनका थीम है इंडो वेस्टर्न थीम राउंड में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत मजा कर रही हूँ मैं और ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा क्योंकि ऐसे हॉल में इतने अच्छे डांसर्स के साथ मैंने शायद कभी डांस किया है मुझे जो थीम मिला है वो है इंडो वेस्टर्न इसलिए मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ दिस ये सॉन्ग को ऑल कंटेस्टेंट्स वॉच आउट फॉर मी बू एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी आपने जो वो टच मी उसमें जो वेरी स्मूथ वेरी ग्रेसफुल एंड एक्सप्रेशन भी आपके बहुत अच्छे थे इस तरह से स्माइल और बीच में जो थोड़ा एक नटखटपन एक मस्ती वो चेहरे पे बड़ी अच्छी थी इट लुक्स नाइस एंड इट केम अक्रॉस वेल आपकी एक पर्सनालिटी है which comes across very well on screens. Thank you so much. और in fact आपका एक अपना स्टाइल है भंगड़ा normally एकदम powerful dance होता है आपने वो जो starting में ठक 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 किया जरा दिखाएं जरा एक बार बहुत delicately किया था आपने इतना delicate भंगड़ा मैंने आज तक देखा नहीं है अच्छा ये दो जोरे भरे कौन आए थे बीच में पता नहीं लेकिन इस पूरे डांस में मैंने उन दोनों के साथ ज्यादा एंजॉय किया
क्यों चड्डी पहन के आते इसके लिए? नहीं नहीं, ज्यादा एक्सप्रेशन दे सकती हूँ, ज्यादा एंजॉय कर सकती हूँ और ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन भी था उस पैच में। अरे बाबा ये तो अच्छा था कि वो रेनकोट के नीचे कच्चा था। अच्छा आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ पाना चाहती हैं? मुझे कल्चरल फील्ड में अभी करियर करना है। देखिए अरे कल्चरल बेसिकली फिल्म में आना है, मुझे हीरोइन बनना है। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताइए आपको 5 साल के बाद। मैं बोल रहा हूँ ना रवि, मुझे हीरोइन बनना है। हाँ मुझे एक्ट्रेस बनना है। अरे तो आगे क्या सोचा है फिर? अब ये क्रिएटिविटी में पहले तो मुझे अभी पढ़ाई पूरी करनी है। कितने साल बचे अभी पढ़ाई खत्म होने में? ग्रेजुएशन तो करनी ही करनी है। ओके तो 3 साल ज्यादा से ज्यादा है और उसके बाद भी मुझे सीखना है, लेकिन अगर बीच में कहीं अपॉर्चुनिटी आई अच्छी अपॉर्चुनिटी तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। कह दिया ना कि पढ़ाई तो मुझे करनी है, अब तू सुनो, पढ़ाई तो मुझे करनी है लेकिन अगर बीच में कोई अपॉर्चुनिटी आ गई तो सबको छोड़ दूंगी। वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा चलिए फर्ज कीजिए आपको कल करण जौहर साहब बोलते हैं कि आप लीड में हैं, और सीरियसली जवाब देना, आप लीड में हैं, आपके ऊपर फिल्म है और आपके साथ शाहरुख खान है या ऋतिक रोशन है, एक तरफ ये फिल्म है और एक तरफ पढ़ाई है, तो आप क्या चूज करोगे सिंसियरली जेन्युइनली? डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी मैं एक्सेप्ट करूंगी। आंटी जी आपके क्या ख्याल है इस बारे में? पूजा जो सही करेगी मैं एक्सेप्ट करूँ, जो छोटों की इच्छा। हाँ। लेकिन जावेद जी मैं सबसे पहले मेरे मम्मी पापा को पूछूंगी, मेरी ये राय है मुझे ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी है। मेरी ये राय है कि मुझे ऐश्वर्या राय बनना है, आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा ना सर, उसको ऐश्वर्या राय बहुत अच्छी लगती है। शी इज माय आइडल। ठीक है तो आप भी आइडल बनिए। हाँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपके आशीर्वाद से। बहुत बेस्ट, थैंक यू। ओ मेरे दोस्त नावेद ने, मेरे दोस्त नावेद ने आंखों पे क्या काला चश्मा लगाया है? मेरे दोस्त नावेद ने आंखों पे क्या काला चश्मा लगाया है? ऐसा लगता है कि कोई दूसरे ग्रह का प्राणी जमीन पे उतर आया है। उड़ा लो मजाक, उड़ा लो उड़ा लो उड़ा लो।